मैं ना तो बीजेपी को लड़ाऊंगा, मैं लड़ाऊंगा तो जो बीजेपी को हराए और मौलाना को भी भगाए। तो बहन मायावती का हमारा यहाँ पे कैंडिडेट खड़ा है जो हमारे मोहल्ले करीब में रहता है, जीशान पढ़ा लिखा आदमी है और उसने हमेशा गरीबों की मदद की, चाहे कैसा भी है बढ़िया आदमी है, तो मैं उसको क्यों नहीं लड़ाऊंगा, आप बताइए। आजम खान ने दिया रामपुर में बसपा को समर्थन। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, मैं हूं पराग महेंद्र, आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। राजनीतिक पारा पूरी तरीके से अब गरमाया हुआ है और ऐसे में जो सियासी माहौल जिस तरीके से तेज हो चुका है, रामपुर लोकसभा सीट सबसे ज्यादा हॉट सीट मानी जा रही है, क्योंकि इस सीट से तमाम जो राजनीतिक अटकलें बनी हुई है, जो खींचातान चालू है, उसको लेकर अब फिर एक बार सुर्खियां बन चुकी है। ऐसे में बता दें कि रामपुर लोकसभा सीट से और रामपुर से एक बड़ी लगातार अपनी दावेदारी पेश करने वाले समाजवादी पार्टी के आजम खान, जिस तरीके से तमाम मुकदमों के चलते, आरोपों के चलते वो अब सीतापुर की जेल की सलाखों में है, और ऐसे में बीते दिनों देखा गया कि अखिलेश यादव ने आजम खान से मुलाकात करने का काम किया। जब आजम खान को जरूरत थी समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव की, तब उनके साथ मजबूती से खड़े होने का काम अखिलेश यादव ने नहीं किया, लेकिन अब चुनाव नजदीक है और चुनाव को ध्यान में रखते हुए रामपुर सीट से किस तरीके से अब चुनावी दावेदारी पेश होगी, इन तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए सीतापुर की जेल में जाकर अखिलेश यादव ने मुलाकात करने का काम किया। अब ऐसे में देखना यह है कि जिस तरीके से रामपुर के जो जिलाध्यक्ष है उनके जरिए जो प्रत्याशी समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव के माध्यम से रामपुर में के मैदान में उतारा गया है, उनको समर्थन नहीं देने की बात लगातार की जा रही थी, और इसके साथ साथ आजम खान का ये मानना था कि अखिलेश यादव खुद इस रामपुर लोकसभा सीट से लड़े, लेकिन अब सियासी माहौल पूरी तरीके से बदल चुका है। वीडियो एक सोशल मीडिया पर बड़े ही जमकर वायरल है, वो वीडियो मैं आपके साथ साझा करना चाहूंगा। बता दूं कि वीडियो रामपुर के पूर्व जिलाध्यक्ष वीरेंद्र गोयल इनका है। वीरेंद्र गोयल ये आजम खान के सबसे करीबी माने जाते हैं और इन्होंने बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी जिशान खान को लेकर क्या कुछ कहा है, वो तमाम चीजें आज इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगी। इसके साथ साथ बहन मायावती को लेकर भी तमाम बड़ी बातें समाजवादी पार्टी के रामपुर जिले के पूर्व जिलाध्यक्ष के द्वारा कही गई है। ये वीडियो आपके साथ में मैं साझा कर दूं, उसके बाद में इस पूरे के पूरे मसले पर हम आगे चर्चा करेंगे। जी वाले को जिताऊंगा, कोई नुकसान नहीं होने देंगे, हमारे शहर का आदमी, हमारा समाजवादी से नहीं तो हम हाथी वाले को लड़ाऊंगा। मैं अपनी बात कर रहा हूं और पूरे कीमत पे हाथी वाले को जिताऊंगा। क्या बुरा है हाथी वाला? हमारे बुजुर्गों ने जो इन लोगों के साथ, जो दलितों के साथ अत्याचार कर रहे हैं, हमने समाज सेवा में 30 साल उनके लिए निकाले हैं ताकि अपने दलितों की जो अत्याचार हमारे पूर्वजों ने किए हैं उसका उद्धार हम अपने उनसे माफी मांग के उनके लिए कुछ करके कर सकें, हम आज करेंगे पार्टी की। तो जैसा कि आपने एक बड़ा दावा यहाँ पर देखा है, किस तरीके से बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी को समर्थन देने की बात वीरेंद्र गोयल, जो कि समाजवादी पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष रह चुके हैं, उन्होंने बताया है और कहा है कि अब समाजवादी पार्टी के माध्यम से अखिलेश यादव से जो बड़ी उम्मीद लगाई जा रही थी कि वह आजम खान के कहे गए तमाम बातों का सम्मान रखेंगे, लेकिन ऐसा न करते अपने बलबूते पर, अपने मर्जी पर ही कहने के अखिलेश यादव अब चुनावी मैदान में दावेदारी पेश करना चाहते हैं। इसी के साथ साथ यहाँ पर जो समाजवादी पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष, इनके जरिए साफ कर दिया गया है कि वो अब चुनावी मैदान में बहुजन समाज पार्टी के जो प्रत्याशी है जिशान खान, इनको अब बड़ा समर्थन देने का काम करेंगे, क्योंकि आजम खान को लेकर जिस तरीके से बातें अखिलेश यादव ने कही थी, जो जिस वक्त उनको जरूरत थी आजम खान के साथ में उनके बुरे वक्त में खड़े होने की, वो देखने को नहीं मिली। इसीलिए अब इन तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए बहुजन समाज पार्टी और बहन मायावती के हाथों को मजबूत करना चाहते हैं। मीडिया कर्मी के जरिए आगे और कुछ सवाल पूछे गए, जिसके कारण ये बात और आपको आसानी से
साफ हो पाएगी। जी गलत गतिविधियों को लेकर कार्रवाई तो हो सकती है आप पर, क्योंकि आप हमें आज निकाल दें, हम तो पार्टी कार्यालय जो हमने दे रखा है यहाँ पर, मैं तो उसमें बैठता भी नहीं हूँ। आपने कहा अपने घर के पार्टी कार्यालय में नहीं बैठते हैं? मैं घर के कार्य नहीं, वो तो उनको पार्टी को दे दिया तो मेरा घर नहीं रहा वो। मैं तो, मेरी आजम खान से दोस्ती है, उसके साथ अत्याचार हो रहा है। उस दिन भी जो हुआ तो मैंने सबसे पहले बोला आजम खान की जान को खतरा है। कोई बोला? अभी तक कोई नहीं बोला। जब हमारी पार्टी के लोग जब मुख्तार निपट जाएंगे तो उनके घर पे सिर्फ आंसू बहाने जाएंगे। क्यों डरते हो? इतना बड़ा चोर था वो? अरे ये काम तो कितना बड़ा अपराधी हो, कानून के हिसाब से आपको पहले उसकी रक्षा करनी पड़ेगी। आप उसकी आवाज नहीं उठा रहे तो आप कितने मजबूत हैं हम देख रहे हैं, आप सबसे ज्यादा कमजोर हैं। तो यहां पर जिस तरीके से एक बड़ी बात कही गई है कि समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव के माध्यम से मुख्तार अंसारी के जो परिजनों से मुलाकात करने का काम उन्होंने किया है, जो वीडियो जो तस्वीरें सोशल मीडिया पर जमकर वायरल है, गाजीपुर लोकसभा सीट से मुख्तार अंसारी के बड़े भाई अफजाल अंसारी ये चुनावी मैदान में है और मुख्तार अंसारी के मौत के बाद उनके परिजनों से मुलाकात करने का काम जो अखिलेश यादव ने किया है, जिसको लेकर लगातार ये सोशल मीडिया पर कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं जब समय था, जब जरूरत थी, तब आजम खान और इसके साथ साथ मुख्तार अंसारी के साथ में खड़े होने का काम बुलंदी से अखिलेश यादव ने नहीं किया। इतना ही नहीं तो ये भी देखा गया कि मुख्तार अंसारी के इस मौत को लेकर, मुख्तार अंसारी के देहांत को लेकर तमाम जो राजनेताओं ने बातें कही, बहुत ही खुले तौर पर मुख्तार अंसारी का नाम तक लिखना, यहाँ पर तमाम राजनीतिक पार्टियों ने परहेज नहीं किया। लेकिन जब बारी अखिलेश यादव की आ जाती है तो अखिलेश यादव ने मुख्तार अंसारी के लिए उनका नाम तक लिखने से परहेज किया है। तो ये तमाम चीजें मुस्लिम समाज बड़ी करीबी से देख रहा है और उसी बात को दोहराने का काम जिस तरीके से यहाँ पर समाजवादी पार्टी के रामपुर जिले के पूर्व जिलाध्यक्ष के जरिए कही गई है, और उन्होंने बताया है कि जब जरूरत थी तब कहीं ना कहीं अखिलेश यादव खड़े नहीं हुए। इसका मतलब ये साफ है कि मजबूत कौन है। अखिलेश यादव ये तमाम चीजें कर ये साबित कर रहे हैं कि वो सबसे ज्यादा कमजोर है। आगे क्या कुछ कहा जा रहा है वो आगे वीडियो में आपके साथ साझा कर दूं। अच्छा गोयल साहब, कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा है कि आपको हार का डर लग रहा हो तब ये सब चीजें? अबे हम तो हार का डर नहीं लग रहा, हम तो हराने, मैं वीरेंद्र गोयल इसको हराने के लिए जी जान लड़ाएगा, नहीं हारे खुद हार जाए लेकिन जंग नहीं छोड़ेगा, ये मैं बात आपसे कहता हूं। बिना लड़े मैं मरना नहीं चाहता, लड़के मैं फना हो जाऊं कोई गम नहीं, सब ऊपर वाले कृपा। जिस समय आजम खान साहब के लिए यहाँ पर बहन जी आई थी और चुनाव लड़ाया था, मैं हमारे आजम खान साहब को 1.5 लाख सब ना 1,09,000 वोटों से जीत मिली थी, मैं कैसे वो भूल जाऊँगा? तो अगर मुझे यहाँ पर परेशानी हो रही है तो मैं ऐसे ही कहीं जाऊँगा जिससे मुझे उम्मीद होगी। मतलब आजम खान को जिताने के लिए मायावती जी आई थी तो अब उनका उनका इसलिए नहीं, मेरे साथ मेरे नेता के साथ अत्याचार हो रहा, मेरे साथ अत्याचार हुआ, नेता की बात नेता करेगा, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। मैं नहीं लड़ाऊँगा, मैं ना तो बीजेपी को लड़ाऊँगा, मैं लड़ाऊँगा तो जो बीजेपी को हराए और मौलाना को भी भगाए। तो बहन मायावती का हमारा यहाँ पे कैंडिडेट खड़ा है जो हमारे मोहल्ले करीब में रहता है, जीशान पढ़ा लिखा आदमी है और उसने हमेशा गरीबों की मदद की, चाहे कैसा भी है बढ़िया आदमी है, तो मैं उसको क्यों नहीं लड़ाऊंगा, आप बताइए। तो देखा आपने किस तरीके से बहुत ही बारीकी से उन तमाम चीजों पर बहुजन समाज पार्टी के जो प्रत्याशी इनके समर्थन में तमाम जो बातें समाजवादी पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष जो रामपुर से इन्होंने कहा है वीरेंद्र गोयल है, बताया है कि किस तरीके से जब आजम खान को चुनावी मैदान में वो उतरे थे, बहन मायावती के जरिए एक बड़ा समर्थन और जो कहने की रैली हुई और उसमें जिस तरीके से वोटों की अपील बहन मायावती के जरिए की गई और बड़े पैमाने पर दलित समाज के लोगों ने आजम खान को वोट करने का काम किया और जिसका फलस्वरूप देखा गया कि 1 लाख से अधिक वोटों से आजम खान ने ये चुनाव जीता था। और इसका मतलब ये साफ है कि जब
आवश्यकता थी कहीं ना कहीं, जिस तरीके से उस वक्त अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी कहने के आजम खान के साथ में जरूरत के आधार पर मौजूद नहीं थी, लेकिन बहुजन समाज पार्टी के पास में जब मौका था आजम खान के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होने की, तब बहन मायावती ने बड़ा समर्थन देने का काम किया था। और अब वक्त आ चुका है कि कहने के जो बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी रामपुर में चुनावी मैदान में है जीशान खान, इनके समर्थन में अब आजम खान के तमाम करीबी लोग बड़े पैमाने पर देखने को मिल रहे हैं। और जिसका जिसके माध्यम से जो बयान कहने के वीरेंद्र गोयल इन्होंने दिया है, इससे आप अंदाजा लगा सक रहे हैं कि अब रामपुर के खास तौर पर जो जनता है और रामपुर का जो मुस्लिम समाज है वो किस ओर अब रुख अपना कर चुका है। समाजवादी पार्टी ने भी चुनावी मैदान में अपना प्रत्याशी काम किया है, जिसके कारण आप समझ पाएंगे कि अब क्या कुछ वास्तविकता है और किस तरीके से अब इस चुनावी मैदान में मौलाना मोहिबुल्ला नदवी जो कि समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी है रामपुर से, अब ये देखना दिलचस्प होगा कि इस सीट पर जो दलित और मुस्लिम गठजोड़ की बात आजम खान के जरिए की जा रही है, और सूत्र के हवाले यही खबर है कि आजम खान का भी ये कहना है कि बहुजन समाज पार्टी की जो प्रत्याशी है, ये बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी को रामपुर में एक बड़ा समर्थन दिया जाए, और उसी के आधार पर ये तमाम खबरें आग की तरह रामपुर लोकसभा सीट में फैल चुकी है, और जो कि इस वक्त सबसे सुर्खियां बनी हुई है। इस पूरी की पूरी खबर को लेकर आपकी क्या राय है, प्रतिक्रिया क्या है, लिखकर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम जय भारत। नेशनल चौपाल लगातार मनुवादी ताकतों के खिलाफ काम कर रहा है और काम करते रहेगा। बहुजन समाज से जुड़े और उसके आंदोलन से जुड़े हर खबरों को आप तक पहुंचाते रहेगा, लेकिन हमारे साधन संसाधन की कमी के कारण हम इस लड़ाई में कमजोर हो रहे हैं। आप तमाम साथियों से हम अनुरोध करते हैं कि नेशनल चौपाल को बचाइए, हमें आर्थिक सहयोग करें और हमें मजबूती प्रदान करें। जय भीम जय भारत।